अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मलाई टिक्का। ये मैंने चिकन ली है, एक पूरी चिकन है ये। इसके मैंने चार पीस करवा लिए हैं टिक्के के, दो ब्रेस्ट पीस हैं और दो लेग पीस हैं इसके, और इस पर कट लगा लिए। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, हाफ गड्डी हरा धनिया था, हाफ गड्डी पुदीना और दो तीन हरी मिर्चें बड़ी वाली, और लहसुन दो तीन जवे बड़े वाले, वो मैंने सबको पीस लिया है। ये इसका पेस्ट बना लिया मैंने ग्रीन, एक लेमन का जूस जाएगा इसमें, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून क्रीम जाएगी इसमें और 3 टेबल स्पून दही जाएगा इसमें। और ये कुछ मसाले हैं, 1 टेबल स्पून है इसमें धनिया और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कचरी पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून वो है वाइट पेपर है, 1.5 टीस्पून ये गरम मसाला पाउडर है। तो ये मसाले जाएंगे इसमें। चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। अच्छा, ये लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्रीन पेस्ट, और ये मसाले। दही जाएगा 3 टेबल स्पून और ये क्रीम, मलाई टिक्का है तो क्रीम। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से, ताकि सब जगह मसाला अच्छा सा लग जाए। अच्छा, ये मैंने लगा दिया है इस पे मसाला, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने सब, ताकि मिक्स हो जाए सही से सब मसाले। और अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ इसको, और अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख दें तो इससे और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, अब मैं 2 घंटे के बाद इसको फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने चिकन टिक्के मैरिनेट करके रखे थे, इसको 2 घंटे हो गए हैं और अब मैं इसको बारबेक्यू करती हूँ। और ये भी हल्की हल्की आंच पे होते रहेंगे, और मैं इस पर ऑयल लगा दूंगी हल्का हल्का सा करके। अच्छा, अब ये एक साइड हो गया है तो मैं इसको पलट देती हूँ। और अभी ये और होगा अभी थोड़ा सा, अब इसको ऑयल लगा दूँ। इससे इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब ये दोनों साइड अच्छी तरह हो जाएंगे सही से, तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अच्छा, देखें, ये हमारे मलाई टिक्के बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं, और अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त से हमारे मलाई टिक्के तैयार हो गए हैं, और बहुत ही जूसी हैं ये, बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।